हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को हमारे प्यारी सी नेचर के साथ रूबरू कराना चाहता हूँ। ठीक है, पढ़ाई तो हम कर रहे हैं लेकिन नेचर को भी फील करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, तो असल में ये जो हमारा नेचर है, नेचर को अगर हम फील नहीं करेंगे, ये नेचर को हम आँख खोल कर नहीं देखेंगे तो भाई हम एक जिंदा लाश बनकर ही रह जाएंगे। ठीक है, देखिए ये जो मंजर है, ये मंजर हमको कभी कभार देखने को मिलता है क्योंकि शहरों की जो चमक दमक भरा ज़िंदगी है वो ज़िंदगी से हम उब चुके हैं, पूरा का पूरा उब चुके हैं। बेसिकली मैं मेरा बात ही करूँगा, मैं पूरा उब चुका हूँ, तो इसीलिए मेरे को नेचर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और इस तरह का जगह जहाँ पे सरसराती हुई मंद सुमंद हवाएं हो, जहाँ पे सूर्य का किरण हमारा आलसी हो और जहाँ पे हमारे वृक्ष लताएं हो, वो मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रकृति, ये कितने सुंदर है असल में ये हमारा प्रकृति। अच्छा देखिए यहाँ पे क्या मंजर है यार, ऐसा तो कभी कभार देखने को मिलता है। क्या है यार, वाह वाह, ये खेत को देखिए इतना प्यारा लग रहा है, वाह ब्यूटीफुल, अमेजिंग यार अमेजिंग। जस्ट फील द साउंड, फूल को देखिए कैसे ले रहा था, वाह कैसे ले रहा है ये फूल, वाह बहुत ही प्यारा है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा है। आप लोगों को कभी भी अगर कभी भी वक्त मिल रहा है तो नेचर को फील करिए मेरे भाई, नेचर को फील करिए। अगर आप नेचर को नहीं देखोगे तो भाई सिर्फ पढ़ाई में, नौकरी में और छोकरी में लौंडियों में फंस कर ही रह जाओगे। ठीक है ठीक है, मुंह से निकल गया मेरा, ओके क्योंकि आजकल के नौजवान हैं हम, तो हमारा तो यही प्रॉब्लम है ना, हम छोकरियों के पीछे भागते रहते हैं और असल ज़िंदगी का मायने क्या होता है उसके ऊपर कभी गौर ही नहीं करते हैं हम। ठीक है, देखिए ये नीले नीले अंबर, हाँ कितने सुंदर लग रहा है, वाह लव यू यार। ओके गाइस, वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ तो यहाँ पे ही रुकता हूँ। ओके ठीक है, मिलते हैं फिर, ओके टेक केयर, बाय बाय।